बलात्कारी बाबा के काले कारनामों के सबूत जुटाने वाले सीबीआई अफसर का नाम है मुलिंजा नारायणन। एम नारायणन अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी मेहनत के वजह से ही राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे है। नारायणन ने बिना किसी प्रेशर के मामले की ट्रांसपेरेंट जांच की। नारायण ने बताया कि इस केस में काफी पॉलिटिकल प्रेशर था, गुरमीत सिंह के खिलाफ केस को बंद करने का प्रेशर था। कांग्रेस के एमपीज सीबीआई अफसरों से मिले और कहा कि बाबा के खिलाफ केस को जल्दी से जल्दी क्लोज कर दो। सारा केसेस में इन्वेस्टिगेशन में प्रेशर आता है, इसमें स्पेशली जिसले मैंने बुक में लिखा मेरा, तो ऑफिसर सीनियर ऑफिसर से आके मुझे बोला है कि ये क्लोज करने के लिए मुझे तुम्हें दिया है। चार पांच कांग्रेस एमपीस ने यंग एमपीस आए थे, डायरेक्टर साहब को बोला है कि ये क्लोज करो। मुलिंजा नारायणन ने बताया कि उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर प्रेशर में आ गए। डायरेक्टर ने उनसे केस को रफा दफा करने के लिए कहा भी, लेकिन वो अपना काम करते रहे। मुझे दबाव पॉलिटिशियन से नहीं मिला, लेकिन डायरेक्टर साहब के पास आए थे लोग, उन्होंने कहा कि ये बंद करो केस। फिर डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलाया कि एमपीस कह रहे हैं कि बंद करो केस। ऐसे दबाव था, इंटरनली एंड एक्सटर्नली दबाव था, क्योंकि उस समय वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा था बाबा। मुलिंजा ने बताया कि इतने प्रेशर के बीच काम करना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें बेखौफ होकर मामले की जांच की। उन्होंने ऐसी 24 लड़कियों को खोजा जो बलात्कार की शिकार थी। इन लड़कियों को राम रहीम के खिलाफ गवाही के लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने एक लड़की को विश्वास में लिया, उसके परिवार को समझाया, गवाही के लिए तैयार किया और राम रहीम के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा लिए।